नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और इस वक्त हम छतरपुर के जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हनुमान टोरिया, यहाँ पर हर वर्ष कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है वहाँ पर भंडारा होता है। लोगों को सालों से इंतजार रहता है कि कब पूर्णिमा आएगी और यहाँ पर हनुमान टोरिया में भंडारा होगा। आप देख रहे होंगे ये महिलाएं हैं, अनेक महिलाएं हैं जो सेवा भाव से यहाँ पर कार्य कर रही हैं और यहाँ पर पूड़ी बेलने का कार्य चल रहा है। कौंटलो आटा है यहाँ पर गूंथा गया है। लोगों को भंडारे में पूड़ियाँ मिलेंगी, सब्जी मिलेगी और इधर पर शुद्ध घी का हलवा मिलेगा। तो आप ये पूरी तस्वीरें देख रहे हैं। हम अपने सहयोगी संजय बस्ती से कहेंगे कि पूरी हमारे दर्शकों को यहाँ इधर पर दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पर सेवा भाव चल रहा है। महिलाएँ हैं यहाँ पर, संगीत भी कर रही हैं और साथ में सेवा भाव भी कर रही हैं। यहाँ पर कई आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अमित शाह जी के पूर्व नेत सचिव राकेश मिश्रा जी भी पहुँचे हैं और यहाँ पर समिति के सदस्य अनेक सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। आज भाई साहब यहाँ पर आप आए हैं, लोगों को बरसों से इंतजार रहता है कि कब वो पूर्णिमा आएगी और कब हनुमान टोरिया में भंडारा होगा, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज कार्तिक पूर्णिमा, कम से कम बुंदेलखंड का तो बहुत बड़ा त्यौहार है, वैसे आज गुरु नानक जयंती है, सब जगह लंगर और भंडारे की परंपरा पंजाब से लेकर के सुदूर देश में होती है। आज इतनी बड़ी संख्या में इतने श्रद्धा भाव के साथ लोग आ रहे हैं और ख़ास करके कोरोना के बाद इस तरह से भोजन प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। मुझे पूरी रावतन सरकार ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं और भगवान राम जी और हनुमान जी पूरे छतरपुर ज़िले पर कृपा बरसाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ राकेश मिश्रा जी, जो यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, इसके उपरांत ही भंडारे के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आप बिल्कुल सीधे देख रहे होंगे भंडारे में लोग प्रसाद ले रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमान टोरिया की हैं जहाँ पर बजरंग दल के सुरक्षा दस्ता जो है वो सेवा भाव में लगा हुआ है। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता अतिन। अतिन, ये किस तरह से इंतजार रहता है वर्षों से और इस यहाँ पर कब से भंडारा, कितने बजे तक चलेगा, क्या स्थिति है? ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हवन पूजन के साथ भंडारा होता है। ये हवन पूजन जो मासिक कीर्तन यहाँ पे संकीर्तन चलता है उसी के उपलक्ष्य में ये आज समापन के दिवस पर, पूर्णिमा के, हर वर्ष पूर्णिमा के दिन समापन होता है, सुबह से हवन पूजन होता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि जो प्रतिवर्ष इसका इंतजार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इंतजार रहता है। और इस वर्ष भी हम लोग, पिछले वर्ष कोरोना की गाइडलाइन के कारण इतना भव्य नहीं हो पाया था, इस वर्ष गाइडलाइन का पालन करते हुए और प्रशासन के नियमों को मानते हुए और अच्छी व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ पे और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी तारतम्य में बजरंग दल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिया है बजरंग दल ने, जो पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। तो बिल्कुल, आप ये सुना होगा, ये अतिन हैं और यहाँ पर हम आपको दिखवाएंगे कि जो प्रसाद बांटा जा रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें पूड़ी है, सब्जी है और हलवा, शुद्ध घी का हलवा जो यहाँ बनाया जाता है, प्रसिद्ध हलवा है। और बराबर यहाँ पर जो भंडारा है वो सुबह से ही प्रारंभ हो चुका है, 12 बजे से ही लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है, भंडारे में शामिल हो रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की जो प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी मत्था टेकते हैं और उनसे कामना करते हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे। हमारे साथ नीरज जी भी मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरह से लोगों को इंतजार रहता है, वो आज कितने बजे से कार्यक्रम चालू हो गया है, कब तक चलेगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं इस बार? हनुमान टोरिया पर विगत 35 वर्षों से लगातार कार्तिक माह की पूर्णिमा पर ये भंडारा आयोजित किया जाता है। पूरे वर्ष भर शहर के लोगों को इस भंडारे का इंतजार रहता है। आज लगभग 50,000 से अधिक लोग इस भंडारे में प्रसाद लेने आएंगे। कोरोना काल के बाद, सच्चे मायनों में कहें तो कोरोना काल के बाद ये पहला आयोजन है। इसके पहले जो भी आयोजन हुए वो सारे कोरोना नियमों का उल्लंघन करके हुए। ये पहला आयोजन है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था की कि कोरोना के सारे नियम हटा दिए गए और कोरोना काल के बाद यह पहला भव्य आयोजन हनुमान टोरिया पर धार्मिक आयोजन हो रहा है। शहरवासी इस भंडारे में प्रसाद लेने के लिए चले आ रहे हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोगों के आने की इसमें संभावना है। तो बिल्कुल, यहाँ पर भंडारा चालू है, सतत चालू है, सुबह से ही प्रारंभ हो चुका है और आप भी इस भंडारे में शामिल हो। संजय बस्ती के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।